और बताएं कि आप यहाँ पर कितने सालों से ये घोड़े का धंधा कर रहे हैं और कैसा है, मतलब यहाँ का माहौल कैसा है अभी? यहाँ का माहौल अच्छा है, मैं यहाँ से कम 30-35 साल से यहाँ पे धंधा करता हूँ। क्या काम करते हो आप? घोड़ा चलाता हूँ। आप कैसा घोड़ा चलाते हैं, ये जो सवारी वाला, जो टूरिस्ट वाला है या माल का? माल का चलाता हूँ। माल का, तो माल का जो घोड़ा होता है वो टट्टू होता है या फुल साइज? टट्टू होता है, टट्टू मैडम साइज। तो ये जो घोड़े होते हैं, ये एक घोड़ा माल का घोड़ा कितना, करीबन कितना वजन लेके जाता है? कम से कम 60-70 या 100 किलो तक लेके जाता है, जैसा उसका कैपेसिटी रहेगा वो हिसाब से। तो आप कैपेसिटी कैसे आप तय करते हैं? घोड़ा छोटा मोटा मजबूत कैसा है, तगड़ा, वो हिसाब से। अच्छा, तो घोड़ा ही को क्यों यूज करते हैं, क्यों आप लोग ट्रेन? दूसरा इधर कुछ भी नहीं है चलता है मैडम, जो सब ट्रेन तो था? जो भी कुछ चलता है माथेरन पूरा इसी के ऊपर भरोसे पे ही चल रहा है, घोड़े पे। घोड़े पे कल भी ये घोड़ा बंद रहेगा तो खाने पीने का मुफ्त हो जाएगी लोगों को। कहाँ पर आ जाएगा प्रॉब्लम खाने का? सब ऊपर माथेरन का पर्यटक, इधर के रहवासी, माथेरन के पूरे लोगों। तो ये जो माल ढो के लेके जाता है आप लोग का घोड़ा, ये कहाँ से माल कहाँ तक लेके जाता है? यहाँ से लेके जाता है माथेरन तक, पूरा होटल किधर भी रहेगा दस्तूरी से, पूरा रेलवे स्टेशन के आगे पूरा होटल विटल जो भी किधर है उधर तक। तो एक दिन में आपका घोड़ा, मतलब एक घोड़ा कितना ट्रिप लगाता है? 2 या 3 लगाता है। तो घोड़ा के अंदर इतना एनर्जी रहता है? 2-3 घोड़े में बहुत एनर्जी रहती है। उसका खाना पीना, हम लोग तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था उतना अच्छा नहीं देख रहे खाने पीने का। यहाँ पे हम लोग को रहने के लिए जगह देते नहीं ये लोग, घोड़े के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं देते, ऊपर से रहने के तबेला नहीं है उनके लिए, फिर भी हम लोग ऐसे ही दिन निकाल के काम करते हैं। नहीं, आप जो बोल रहे कोई नहीं देता है, तो आप 30-35 साल से आप खुद इस धंधा में, तो कौन है ये कोई जो नहीं देता है? ये माथेरन के लोग है, इधर के रहे, गवर्नमेंट के लोग हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी। तो क्यों आप लोग को नहीं दिया जाता है जबकि हमेशा हम बोलते हैं तो वो लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग अपने करते रहते। तो क्या ये नहीं है कि मतलब जानवर के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि खाने और पीने का ना देखभाल तो हम सब बराबर करते हैं उनका, लेकिन ये अभी देखो ये ऐसे तरीके से हम लोग, अभी बारिश आएगी तो इसके ऊपर छपरा वगैरह बनाएगी। बारिश तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है और अभी तक तो यहाँ आज थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गिरा है, उतना ही। तो रोड तो यहाँ का बड़ा खराब है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। रोड ऊपर से जाते हैं ना वहाँ से, मेन रोड से। यहाँ जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं, ये घोड़े क्या चीज के लिए है? ये सब माल पे चलते वगैरह, छोटा ये सवारी पे भी चलते है, माल और सवारी। तो हम लोग वहाँ एक दो घोड़ा को देखे हैं जिसका आप लोग मतलब बांध के रखे, पैर भी बांध के रखे क्या? वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जगह पे रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना। वो इधर उधर जाएगा तो फिर पाव भी फिसल जाएगा, घूमते घूमते रहेगा, बच जाएगा। अच्छा, इसलिए। लेकिन आप लोग को ये नहीं लगता कि घोड़ा का तो एक आजादी का जिंदगी होता है? हम लोग पिक्चर में देखते हैं, सब जगह देखते हैं घोड़े, बड़े बड़े फार्मलैंड होता है, हरा हरा घास होता है, घोड़ा दौड़ रहा है। आप लोग तो यहाँ पर ऐसा जगह रख के रखे हैं जहाँ घास ही नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे घास ही नहीं है तो क्या करें? अभी बारिश में बारिश गिरती है तभी हम लोग पूरा जंगल में जाके घास बीस निकाल के लाते, बड़े बड़े पहाड़ी में जाके। नहीं, यहाँ कीचड़ नहीं हो जाता तो घोड़े लोग रात में कैसे? ठीक से करते है ना हम लोग, लेकिन हमको ज्यादा कुछ करने भी नहीं देते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर पालिका, ये लोग कुछ करने नहीं देते। नहीं तो हम अच्छे से बोलते हैं हमारी जमीन है, नगर पालिका बोलते हैं हमारा जमीन है, हमको जगह नहीं है देने के लिए, फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, हम कहाँ से देंगे। अच्छा, तो हमें तो एक घोड़ा हमने देखा है वहाँ कहीं नीचे में, उसके यहाँ पे पीछे में पीठ में चोट था ऐसे पूरा, तो ऐसा अगर घोड़ा एक है तब तो वैसा और भी घोड़ा होगा जिसको चोट लगा है या कुछ रहता है कैसा है? वो एक घोड़ा है ना हमारा, 10-12 घोड़ा चलता है, काटने का निशान नहीं है। सुनो, हमारा सैडल जो डालते हो, क्योंकि सैडल भी हम लोग देखे, सैडल से कुछ है, ये सब का बना वो सैडल है, वो सैडल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। घोड़े से 10 या 12 घोड़े ग्रुप में चले गए, अभी हम लोग का काम खत्म हो गया 2-3 बजे, तो हम लोग सब मिला के पानी पे लेके जाते हैं तालाब पे, तो वहां से भी ठीक से रास्ता नहीं है, तो एक दूसरे को काट लेते हैं, काटने के बाद उसके ऊपर मक्खी थोड़ा बैठेगा तो पेड़ बीड़ को खुजा लेते हैं, खुजाने से उसका थोड़ा जख्म बड़ी हो जाती है, तो हम अच्छे से उसको बांध के रखेंगे तो खुजाने को नहीं मिलेगा ऐसा साइड से, तो फिर उसको ठीक कर देते 8 दिन में ऐसे, तो उसको ऐसा काम से जख्म नहीं होती है। अच्छा,
उसका साइडल वो अलग तरह से रहता है और सही रहता है। फिर भी घोड़ा का देखभाल के लिए डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर इधर का राय बोले करके है, दूसरा एक भोसले करके उसको बुलाते। कितना दूरी पे? करजत में रहता है, इधर 3 किलोमीटर पे। अच्छा, तो वो डॉक्टर क्या मेडिकल मेडिकली वो लोग गवर्नमेंट से अप्रूव डॉक्टर्स में डॉक्टर है? हाँ। और वो कर पाते हैं सारा इलाज? उनके पास दवाई वाई सब रहता है? इंजेक्शन वगैरह सब रहता है? नहीं रहते, वो हम लेके आते हैं ना। अगर नहीं रहेगा तो मंगवाते हैं हमारे से। और अगर कोई घोड़ा बीमार है तो आप कितना दिन तक रेस्ट कराते हैं घोड़ा को? 8 दिन 15 दिन ऐसा रेस्ट। तो आपको नुकसान नहीं होता है? नुकसान तो होएगा, नुकसान जरूर होएगा, लेकिन उसका देखभाल तो करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। पे रहने के लिए घोड़े के लिए जगह चाहिए, दूसरा तबेला बनाना, पानी चाहिए, तो हम उसको अच्छे तरह से देखभाल कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। और जो भी हमारा कारोबार चलता है पूरा है घोड़े पे, और पूरा माथेरान के लिए, पर्यटक के लिए सब भी, जो बिस्लरी, पानी, गैस, लेंडर, कैरोसिन जो भी कुछ है पूरा घोड़े पे जाता है। तो एक घोड़ा मतलब सिलेंडर का सिलेंडर, अगर गैस सिलेंडर लेके जाता है, एक घोड़ा कितना गैस सिलेंडर कैरी करता है? दो। तो दो गैस सिलेंडर एक घोड़े पे, वो आप बता रहे टट्टू, वो भी फुल साइज घोड़ा नहीं है, वो कैरी कर सकता है उतना? आराम से करता है, और एक लेके नहीं जा सकता है, उसका बैलेंस नहीं होता है। अच्छा। तो ए बाजू एक रखेगा, ए बाजू एक रखेगा, तो दो ही जाएगा और उसका बैलेंस हो सकता है, अकेला ऊपर रख के कैसा जा सकता? तो वापस जब आता है तब घोड़ा पर क्या लाद के लाते? कुछ नहीं, एम्प्टी आ जाता है। एम्प्टी आता है? हाँ। तो आप लोग को क्या क्या सुविधा अभी अभी चाहिए, क्योंकि माथेरान में अगर इस तरह का है कि घोड़ा का मेन है धंधा जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम मेन यही है, हमारे को यहाँ पे घोड़ा बांधने के लिए जगह चाहिए, तबेला चाहिए, उनको पीने के लिए पानी चाहिए, तो उनको उतना अच्छे से हम देखभाल कर सकते हैं, ऐसा ये मेन। और आप क्या बोलेंगे, आप लोग यूनियन नहीं है आप लोग का कुछ, कि जिससे आप लोग किसी को एप्लीकेशन देके गवर्नमेंट? एप्लीकेशन तो हम लोग किया है, 2-3 बार किया है, नहीं ऐसे ही। कोई इतना ध्यान नहीं देता है। कौन नहीं ध्यान देता है? अभी कलेक्टर के पास भी कितने साल से भी उधर भी एप्लीकेशन किया। कलेक्टर का ऑफिस कितना दूरी पे है? यहाँ से 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर पे? कहाँ पर है? अलीबाग में। अलीबाग में? और वहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन दिए है, तो क्या क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब? कलेक्टर के अंडर में नहीं आता ये, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, DFO है। अच्छा। तो DFO को भी एप्लीकेशन दिया है इन लोगों ने, तो अभी उसके ऊपर ये चालू है। तो इधर के आमदार जो है, स्थानीय आमदार माथे इधर के सुरेश लाड़ करके, उन लोगों ने आगे चल लेके काम का शुरू किया है, तो थोड़े दिन में मिलने वाला है इन लोग को जगह। जगह मिलने वाला है ऐसा, लेकिन वो पीछे उसके लगना पड़ेगा बहुत, वो आने वाले थे 7 तारीख को, लेकिन अभी तक आए नहीं उन लोग 7 तारीख। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग को बोला जाता है कि मिल जाएगा, हो जाएगा? वैसा ही हो जाता है, लेकिन मिलता नहीं रहा है। तो आप लोग इतना मेहनत से, इतना साल से इस तरह से चला रहे हैं, कभी आप लोग को नहीं लगा कि आप लोग भी कुछ करें? वैसा तो 70-80 साल हो गया इधर, हमारे दादा चला रहे, हमारे दादा चला रहे थे, उसके बाद हमारे पिताजी, और उसके बाद हम लोग है। 5 पीढ़ी हो गया हमारे इधर। 5 पीढ़ी हो गया, तो आप लोग का पूरा आमदनी सारा सब खर्चा इधर से निकलता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो घोड़ा के चलते आप लोग का पूरा जीवन चल रहा है, पूरा जीवन। अगर घोड़ा नहीं होता, आप ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो तो गलत बात है। ध्यान तो देते हैं हम, अच्छे से तरह से ध्यान देते हैं, जैसे जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको रेस्ट ही देते हैं, वैसे काम पे लगाते नहीं है। श्योर है आप? हाँ श्योर है। अच्छा, तो जैसे आप अभी आपका माल का जो घोड़ा है वो कितने बजे निकला है यहाँ से आज? अभी 9-10 बजे के बाद काम चालू कर देते हैं, 8-9 बजे के बाद हम काम चालू करते हैं। कितना किलोमीटर जाता है घोड़ा? मिनिमम 3 किलोमीटर पकड़ के चलो, 2.5-3 किलोमीटर, कैसे 2 किलोमीटर भी 3 किलोमीटर भी है, जैसे ऐसे डिस्टेंस पे हम घोड़ा माल लेके जाते हैं। अच्छा, तो और वहाँ पर मतलब वो सारा सप्लाई करता है? हाँ, सब होटल में और सब खाने से लेके जो भी चीज है ना यहाँ पे, सब घोड़े पे ही सप्लाई होता है। तो अगर घोड़ा सप्लाई नहीं करे तो आप लोग के पास और कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा ही कोई नहीं, भी नहीं। होटल के पास सामान नहीं पहुंचेगा? नहीं नहीं। तो ऐसा क्यों, ट्रेन था, ट्रेन का ट्रैक तो था वो, लेकिन अरे घर पे तो नहीं माल जाता है, होटल पे माल नहीं जाता है, वो खाली रेलवे स्टेशन तक लेके जाएगा। एक आदमी को 100 किलो का बोझा उठा के ट्रेन में लेके जाना पड़ता था आगे यहाँ से। अभी ट्रेन चालू, अभी ट्रेन भी बंद है,
थोड़ा हमारे को भी प्रेशर घोड़ा एक लाइफलाइन है हाँ, पूरा आप लोग करना चाहिए ना कि घोड़े का मतलब सही बंदोबस्त करना चाहिए। अभी उसके लिए हम लोग स्ट्राइक किया था दो दिन तो पूरा माथेरान बंद, खाने का दूध भाजी सब बंद हो गया। कब किए थे आप स्ट्राइक? अभी कम से कम हुआ एक 15 दिन हुआ। क्या चीज पर स्ट्राइक किया आप? यही हम लोग को सुविधा नहीं उसके वजह कलेक्टर को बोले थे, डीएफओ को बोले थे। हाँ तो डीएफओ मिले ने हमको, वो आरएफओ करके मिले उनके असिस्टेंट, वो बोले कि हम लोग करते है करके, और वो लोग बांधने बिनने भी नहीं देते थे ना, इधर माल नहीं खाली करने का, इधर खड़ा नहीं करने का, वो हिसाब से हम लोग स्ट्राइक किया था। बांधने करने का भी हम लोग वहाँ देखे, वो आयरन के बड़े बड़े रॉड्स है और जो खाने का, वो जो खाने का घोड़ा का वो आप लोग फोडर रख के रखे वो भी बड़ा, वो खाने का नहीं, वो जो खत्म हुआ जो माल रहता है ना उसमें गिरेला वो साइड में डाल, वो हम इधर पैक करके रख देते हैं। आप हमको दिखाएंगे कहाँ है? हाँ। अभी रहेगा तो अब जरूर दिखाएंगे, नहीं तो शाम में हमारा टेम्पो आता है, टेम्पो में माल लेके खाने का बता सकते हैं इधर रखा हुआ। डेली आता है? हाँ डेली आता है। कितने घोड़े हैं आपके पास? 10 घोड़े। क्या माल का है या सवारी? माल का। सवारी का? सवारी का नहीं है। आमदनी कितनी होती है आप लोगों की? हाँ ये सवारी का है, सबका ओनर अलग अलग है ना। अलग अलग ओनर है। तो जो आप लोग बता रहे थे कि माँ लक्ष्मी और इधर भी जाता है घोड़ा सब आप लोग का, तो आप लोग कैसे लेते हैं, मतलब पर डे का लेते हैं, पर घोड़ा का लेते हैं? नहीं एक्चुअली वो तो हमारा घोड़ा उधर नहीं जाता है, वो जो कस्टमर लेके जाने वाला घोड़ा है वो माँ लक्ष्मी वगैरह लेके जाता है। अच्छा पहले जाते थे ना, अब मैडम ने पूछा वही बता रहे हैं। नहीं नहीं मैडम इतना तो तेज उत्तर हमें देते हैं। कितना करीब आमदनी हो जाता है घोड़ा से? घोड़े का 300-250 ऐसा जैसा काम रहेगा वैसा। पर डे या पर घंटा? पर डे। पर डे का आप लोग का हो जाता है? यहाँ पे कितने घोड़े हैं? यहाँ पे 50 घोड़ा माल 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 50। अभी ऐसा है देखिए, अभी आपका जो समस्या है उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, जबकि ये मालूम पड़ता है कि ये यहाँ की लाइफ लाइन है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए घोड़े की स्थिति ठीक कर रहे हैं, उसकी तबेला बनाए है नहीं। जब आप लोग मतलब कमा रहे हो, अगर घोड़ा यहाँ पे नहीं रहेगा सबकी यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी। उसके लिए तो हम जो भी खर्चा उसको लगना है, तबेला वगैरह कुछ भी हो, उसके लिए जो पे करना है वो हम पे करने को रेडी है। ऐसे नहीं जगह नहीं है ना? हाँ जगह नहीं, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका वेटनरी क्लिनिक है? वो है ना, यहाँ पे 2 किलोमीटर के ऊपर है। देखो हमारा एम क्या है कि हम एनिमल एक्टिविस्ट के उससे नहीं बोल रहे कि घोड़ा बंद करो, ये करो वो करो, उसकी वजह से नहीं बोल रहे। हम बोल रहे कि जो आदमी की जिंदगी होती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और आप लोग का व्यवसाय है इससे सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन इम्प्रूव हो, जो आप लोग जिस कंडीशन में घोड़ा रह रहा है आप लोग रह रहे हो वो इम्प्रूव हो, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे, और कौन से ऑफिस में जाके किसको खबर दें, किससे बात करें, ताकि यहाँ पे आपको आप लोगों की जिंदगी जब इम्प्रूव होगी ना, जब घोड़ों की जिंदगी इम्प्रूव होगी तो यहाँ पे आपको हेल्थ, घोड़े का हेल्थ, खाना पीना, इसका क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है, हम वो समझने आए। घोड़ा अभी हमारे पास भी घोड़ा है, खाने का तो वगैरह कुछ नहीं, उसको हम अरेंज कर लेते, लेकिन जगह का ही और पानी का ही प्रॉब्लम है ज्यादा करके। जगह और पानी का प्रॉब्लम है जगह? अरे घोड़ा जब जहाँ पे रखने को जगह नहीं रहेगा तो कैसे वो रहेगा? वो जब रेस्ट नहीं कर पाएगा, आराम से रह नहीं पाएगा, अभी आपको सबको पैर बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो एक दूसरे को मारेगा। आई अंडरस्टैंड दैट, पर उसके लिए जगह बनाएगा कौन? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना आपको एक एरिया। हाँ, तो उसके लिए हम पे करने को भी तैयार हैं। आप पे करने को तैयार हो? अच्छा, अभी इसमें ऐसा है देखिए, आप मतलब 10-15 जो घोड़े हैं हमें दिखाइएगा, शूट करेंगे। ये फॉरेस्ट के अंदर आता रहेगा ना? फॉरेस्ट के अंदर आता रहेगा, तो फॉरेस्ट वाले भी प्रॉब्लम करते हैं आपको है? क्या प्रॉब्लम करते हैं? इधर बांधने का नहीं, इधर खड़ा नहीं करने का, ऐसा फिर किधर खड़ा? लेकिन अभी एक ऐसा सब घोड़े के ऊपर चल रहा है करके, उधर वो हिसाब से इधर हम लोग रुक सकते हैं, नहीं तो सब प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, नहीं तो इधर से कभी भी भगा दे सकते थे वो लोग। डीएफओ गया वीक को आया और कुछ खड्डा बनाया आप लोग को आगे नहीं जाने के लिए, वो क्या खड्डा बनाया? किधर बना? जमीन उनका है करके। किधर था खड्डा? घोड़े के लिए खड्डा नहीं बनाया, पार्किंग के लिए बने, पार्किंग, नो पार्किंग के लिए। अच्छा, नो पार्किंग के लिए, घोड़े घोड़े के लिए नहीं, 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 घोड़े मतलब घोड़ा जा सके उतना गैप रख दिया। Then she found that they had filled in the khadda, so she was so mad. So that weekend she sent back all cars, 300 cars, everybody coming to Matheran was sent back. Yeah. Parking का problem. हमारे को जो वो देखा आपको वीडियो जो दिखाया उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम दवाई लेके आए,
वो हमने बहुत बड़ा डॉक्टर से पूछा है दवाई को, उसको खाली स्प्रे करने का, उसमें तेल भी मिक्स है, ये भी मिक्स है, तीन चार तरह का दवाई मिक्स है। एक तो हम वो आपको स्प्रे करके दिखा के आप लोग को दे के जाने वाले हैं, आप लोग को वो लगाना है, पर वो घोड़ा रेस्ट पे रहना चाहिए एक महीना, क्योंकि जो उतना गहरा वो है। एक्चुअली कैसा है सर, जो घोड़े को लगता है मारोगे लगता है उसको हम घर पे ले जाते हैं रेस्ट के लिए, इधर रखेगा तो पेड़ को घस के वापस से जख्म ज्यादा हो जाता है उसका। नहीं नहीं, हमारा क्या है, अब अगर हम आपको थोड़ा बहुत लगेला रहता है उसको तो हम इधर ही ठीक करवा देते हैं रेस्ट देके। नहीं लेकिन अभी तो आप बताए ना, एक हफ्ता से ज्यादा रेस्ट नहीं होता घोड़ा। नहीं जब तक ठीक होता नहीं तब तक उसको रेस्ट पर देना ही पड़ता है, एक महीना रेस्ट नहीं होगा। छोटा सा जख्म वगैरह हुआ बाई चांस तो उसको आप हफ्ते में भी हो सकता है ना। आप लोगों को समझ में आता है ना, इतने साल से देख रहे हैं। क्या है, एक हफ्ते का नहीं है, वो बहुत पुराना है, उसमें मक्खी का अंडा भी है, सब कुछ है, पस पड़ा हुआ है, वो तो बहुत ही दर्दनाक है। तो वो तभी होएगा ना जबकि लगेले में भी कोई पेन किलर देके ब्यूट देके उसको चला रहा है, तो हमें उसको पकड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो डॉक्टर करते हैं वही हम करते हैं। पर उसको हम आपके लिए स्प्रे व्रे लेके आए ना, आपके लिए बना के, ताकि आप सबको लो, हम आपको लिख के जाएंगे ये दो, खत्म हो जाएगा और भेजेंगे, पर वो है कहाँ पे। तो वो अगर आप आपको समस्या बताओगे, हम खाली मल्लम पट्टी करने के लिए आए हैं और तुम्हारा आवाज ऊपर तक पहुंचाने का है कि आप लोग को क्या तकलीफ है, घोड़ा ही खाने का पीने का, इतना खूबसूरत जगह है माथेरन और एक ही एक हिल स्टेशन है जहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है, इसके आगे घोड़ा ही घोड़ा है। तो वो लोगों को एंजॉय करने के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, घोड़े के आराम के फ्यूचर के लिए ये आवाज हम कहीं तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग का जितना 250-300 रुपए दिन का आप कमाते हो घोड़े पे, तो कितना कमाते रहोगे यार, क्या उसको खिलाओगे, क्या खुद खाओगे। काम भी नहीं है इधर ऐसा, कमाने से। हाँ तो काम नहीं है ना, तो आप लोग को तो रहने का आपका लाइफस्टाइल ये हो गया है, तो हम उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए। और ये फॉरेस्ट वालों का भी, उनको आपको मदद करनी चाहिए ना, अब फॉरेस्ट है, अब इतना फॉरेस्ट काट रहे बिल्डिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, आपको घोड़े के लिए नहीं दे सकते क्या बनाने के लिए अस्तबल है। बहुत काटा है ना होटल बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए काटता है फॉरेस्ट, और घोड़ा जो होटल तक खाना लेके जाता है उसके लिए नहीं काटता है। बहुत से होटल को, होटल में ऐसा झाड़ तोड़ हुई है, बहुत से होटल मात्रा। हमने दो तीन बार भी एप्लीकेशन वगैरह दिया तबेले के लिए, लेकिन तबेला भी आज तक हुआ नहीं। अब हम जो भी किराया उसका भरने के लिए रेडी है कि नहीं, बोलते नहीं कि हम किराया नहीं देंगे करके, किराया देने वाले। पानी के बारे में, पानी के बारे में भी हुआ है, हम पानी का भी बिल भर सकते हैं जो कुछ होएगा, तो कुछ भी सुविधा नहीं। दो दिन बंद रखा तो हमारे ऊपर सब लोग का बोदरेशन आ जाता है, बंद क्यों रखा, ऊपर के गाँव वाले लोगों का बंद रखेगा तो ऊपर यहाँ पर क्या गांव वाले लोग ज्यादा प्रेशर करते हैं या गवर्नमेंट वाला लोग। एक्चुअली कैसे, जिसको तबलीग होएगा वो तो प्रेशर देगा ही, बोलो होटल लाइन हुआ, बोलो किसी के घर पे हुआ, सब जो भी जो यहाँ से जो चीज जाता है घोड़े पे, सब घोड़े पे ही जाता है, खाने का बोलो या मटेरियल बोलो, सब घोड़े पे ही जाता है यहाँ से। और वहाँ नहीं तबलीग तो होता ही है ना, उनको भी होएगा,